धम्म पद गाथा क्रमांक 270। आज दिनांक 9 नवंबर 2020। ये धम्म पद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ही किसी आर्य नामक एक मछुआरा को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना बुद्ध ने कही थी। नते ना अरियो होती ये न पाना निहिंसती, अहिंसा सब पानानं अरियोति पउच्चति। अहिंसा सब पानानं अरियोति पउच्चति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु वास्तव्य कर रहे थे, वहां विहार करते थे। तब एक दिन कुछ भिक्षुओं के साथ तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के उत्तर द्वार से निकलकर उत्तर द्वार पर कुछ ग्राम में, वहां तथागत बुद्ध ने भिक्षाटन किया। भिक्षु संघ के साथ गए और वहां से भिक्षाटन करके आने के बाद आते समय रास्तों में उन्होंने देखा कि एक मत्स्य घातक यानी मछुआरा एक जगह पर रास्ते में वो खड़ा था। उन्होंने अपने मछली का काटा पानी में छोड़ रखा था और वो खड़ा था। ऐसा तथागत बुद्ध ने उन्हें जब देखा तो आज तथागत बुद्ध ने जब आवर्जन किया था तो जाने के पहले ही जब वो भिक्षाटन के लिए जाने के लिए निकल रहे थे तो उसके पहले उन्होंने सोचा कि आज कौन फल को प्राप्त करेगा। ऐसा जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये व्यक्ति मछुआरा उनके नजर में आ गया। और जब वहां से वापस आ रहे थे भिक्षाटन करके तो वो मछुआरा उनको वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। तो तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को वहां पर बुलाया और जो कुछ भिक्षु थे, महामोग्गल्यायन, सारिपुत्त, आनंद आदि 10-12 जो भिक्षु वहां पर थे, तो उन्होंने उनके साथ वहां खड़े रहे और खड़े रहकर बुद्ध ने सभी को अपना अपना नाम पूछा। तो जो भिक्षु थे वो भिक्षु भी अपना अपना नाम बताने लगे। अपना नाम, मेरा नाम सारिपुत्त है, तो मेरा नाम महामोग्गल्यायन है, तो मेरा नाम महाकाच्यायन है, मेरा नाम आनंद है। इस प्रकार ये भिक्षु अपना नाम बताने लगे। तो जब ये नाम बताने लगे तब इन मछुआरा भी वहां पर ही खड़ा था, तो उनको भी लगा कि मेरा भी नाम पूछेंगे।
वो भी लाइन में खड़ा रहा और लाइन में खड़ा रहकर उन्होंने भी अपना नाम बताने की तैयारी में वो था। तब भी बुद्धा ने उनको पूछा कि उपासक तुम्हारा नाम क्या है। तो उस मछुआरे ने कहा, भंते मेरा नाम आर्य है, आर्य मेरा नाम है। तो बुद्ध कहने लगे कि तुम्हारे जैसे प्राण घातक का आर्य नाम ये नहीं होना चाहिए। आर्य का मतलब कि जो मैत्री करता है प्राणियों पर, सब पर अनुकंपा करता है, जिसे नोबल पर्सन कहते हैं, तो ये आर्य तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए। तुम तो जो मछली मारते हो और इस प्रकार का जो हिंसा तुम्हारे हाथों से होती है, तो इसीलिए आर्य नाम की बात तथागत बुद्ध ने कही कि आर्य यानी पाली भाषा में कहते हैं नोबल पर्सन, यानी बहुत पवित्र सद्गृहस्थ सद्गुण वाला सदाचारी आदमी, लोगों पर अनुकंपा करने वाला, लोगों को हित और सुख के लिए जीने वाला, लोगों का कल्याण करने वाला। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग भी जो बताया, यानी जो नोबल पाथ जो आदमी को पवित्र बनाता है, पावन बनाता है, उनका उद्धार करता है, इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये आर्य नाम का जो ये व्यक्ति मछुआरा था, तो उनको जब तथागत बुद्ध ने देशना दी, ये गाथा जब कही, गाथा के द्वारा देशना दी और ऐसी जब देशना दी, तो उसी समय वो परिवर्तित हो गया और वो श्रुतापन्न फल को पा गया बुद्ध के देशना से, कि जब बुद्ध ने उनको सद्धम्म बताया तो श्रुतापन्न बन गया। ये बुद्ध की इतनी महानता, इतना बड़ापन कि तथागत भगवान बुद्ध जब कभी आवर्जन करते थे, किसी को देखते थे, तो बुद्ध की जो दृष्टि, बुद्ध की महानता इतनी बड़ी थी कि वो अमीर से अमीर आदमी उनका भी कल्याण करने के लिए जाते थे। राजा है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी पुत्र है, कुल पुत्र है, बहुत करोड़ों की संपत्ति वाला कोई है, तो उनके लिए भी बुद्ध उसी भावना से, उसी करुणा से उनका उद्धार करने के लिए जाते थे कि कैसे इनका उद्धार हो, कैसे इनको सद्धम्म का साक्षात्कार हो और कैसे अपने मनुष्य जीवन का ये परम उद्धार करके धन्य धन्य हो जाए। ऐसी भावना बुद्ध के मन में सभी के प्रति जगती थी। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कहीं किसानों का, गरीब से गरीब किसानों का बुद्ध ने उद्धार किया, गरीब से गरीब मजूरों का बुद्ध ने उद्धार किया, गरीब से गरीब कोई असहाय जिसका कोई सहारा नहीं, ऐसे लोगों का भी तथागत बुद्ध ने उद्धार किया, उन पर भी अनुकंपा की। उनके लिए स्वयं तथागत बुद्ध उनके उद्धार के लिए उनके पास चले जाते हैं, उनको जाकर उनसे बोलते हैं, उनके लिए स्वयं चलते हैं, उनके लिए स्वयं जाते हैं। जब कभी उन्हें समझ में आता है कि इनका उद्धार हो जाएगा, इनकी पारमिता परिपक्व हो गई है, ऐसा जब तथागत बुद्ध को समझ में आता है, तो ऐसे जाकर वो उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो उनके मन में कोई दूजा भाव नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई किसान नहीं, हर एक व्यक्ति को एक मानव के रूप में तथागत बुद्ध देखते हैं। ये मानव है, इनमें वो शक्ति है कि यदि इसको सद्धम्म मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, भव चक्र से ये निकल जाएगा। यदि धम्म का साक्षात्कार इन्होंने कर लिया, धम्म को जान लिया इन्होंने,
तो इसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, ऐसा समझकर बुद्ध जहां तहां वो जाकर, कभी स्वयं जाकर तो कभी निमंत्रण देने के बाद, तो कभी स्वयं चल के जाकर उनका उनको उपदेश करके तथागत बुद्ध उनका उद्धार करते थे, उनका कल्याण करते थे। ऐसे कई कई लोगों के उदाहरण बुद्ध के जीवन में आए हैं, जैसे पटाचारा का जीवन, कोई उसका वाली नहीं, कोई सहारा नहीं, एकदम वो बिचारी पटाचारा तो पागल हो गई थी, सारा अपना होश खो बैठी थी, कोई रहा नहीं उसका। लेकिन जब वो तथागत बुद्ध के पास आई तो बहुत उसका उद्धार हो गया, स्वयं जान लिया कि क्या शक्ति होती है मनुष्य चित्त की, मनुष्य मन की, मनुष्य जीवन की क्या महानता है। उसका बोध हो जाने के बाद उनका परम उद्धार हो जाता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने कई प्रकार के सब तबके के लोग बुद्ध सबको एक जैसा धम्म देकर उनको उनके परम उद्धार की बात बुद्ध करते हैं, स्वयं जाते हैं, स्वयं उनको उपदेश देते हैं। उन्होंने पूछा फिर भी, नहीं पूछा फिर भी, स्वयं जाकर उनको प्रेरित करके उनका कल्याण स्वयं तथागत बुद्ध करते हैं। तो इस उदाहरण से ऐसा लगता है कि एक मछुआरा सामान्य आदमी वहां जाकर बुद्ध भिक्षु संघ के साथ वहां गए, वहां रुके, उनको उनको बोलता किया और उनको जब नाम पूछा तो उन्होंने जब आर्य नाम बताया तो बुद्ध ने कहा कि आर्य तो ऐसे होने चाहिए, आर्य ने सभी प्राणी के प्रति मैत्री भाव करने वाला हो, सभी प्राणी का कल्याण करने वाला हो, सभी को सुख शांति देने वाला हो, तो बहुत आनंद ही आनंद अपने जीवन में मिलता है, दूसरों के जीवन में मिलता है। इस प्रकार का जो रास्ता अपना कर यदि अपने जीवन में कोई व्यक्ति चलता है तो बहुत अपना ही कल्याण करता है, अपने जीवन का उद्धार करता है, दूसरों का कल्याण करता है और सभी के हित और सुख का वो कारण बनता है। आज ये मछुआरा ये बुद्ध के उपदेशों से बदल गया, श्रोतापन्न पद को पा लिया उसने। श्रोतापन्न पद को पाना ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो बुद्ध के उस उपदेश से वो श्रोतापन्न बना और उनको समझ में आ गया कि आर्य जो मेरा नाम है किस प्रकार से मैंने व्यवहार करना चाहिए, ये हिंसा से मैंने विरत होना चाहिए, दूर होना चाहिए, और इसी प्रतिज्ञा लेकर वो हिंसा से दूर हो गया और कल्याण का ही रास्ते पर वो चलने लगा। उस घटना के अवसर पर ये धम्मपद की देशना इस गाथा की तथागत बुद्ध ने कही है, न तेन अरियो होती ये न पाना नि हिंसति, अहिंसा सब पानान अरियोति पहुंचती। जो प्राणी मात्र की हत्या करता है, प्राणियों की हिंसा करता है, उसे आर्य नहीं कहते। तो जो सब प्राणियों पर अनुकंपा करता है, दया करता है, मंगल मैत्री करता है, उस व्यक्ति को आर्य कहते हैं, उसे आर्य कहते हैं। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने आर्य शब्द का अर्थ बताया। तो आर्य शब्द कोई जातिवाचक शब्द नहीं, कोई वर्गवाचक शब्द नहीं। ऐसे भी शब्द का उपयोग जाति के लिए होता रहा है, वर्ग के लिए होता रहा है, कभी वंशों के लिए होता रहा है। और आर्य शब्द तो कई अलग अलग शब्दों में भारत की इस संस्कृति में परंपरा में आते रहा है, लेकिन तथागत बुद्ध जिस आर्य शब्द की व्याख्या करते हैं तो आर्य शब्द वो शांति का द्योतक है, वो नोबल नोबल पर्सन की जो पवित्र व्यक्ति, लोगों पर अनुकंपा करने वाला व्यक्ति, लोगों के हित और सुख के लिए जीने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को तथागत बुद्ध आर्य कहते हैं। और ये शब्द की व्याख्या इस धम्मपद की गाथा में तथागत बुद्ध ने आर्य शब्द का अर्थ और व्याख्या उनका बताया है। और सभी भिक्षु संघ को आर्य भिक्षु संघ कहा जाता है, सभी उपासक उपासिकाओं को भी आर्य
इस प्रकार से कहा जाता है कि आर्य भिक्षुओं का संघ, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला संघ, आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी जो आदमी को पवित्र कराता है, आदमी का कल्याण कराता है, जो मार्ग परिशुद्ध कराता है और परिशुद्ध कराकर अंतिम मुक्ति की अवस्था तक जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पहुंचाता है, ऐसा इस आर्य शब्द का महत्व है। और ये अर्थ तथागत बुद्ध ने इस प्रकार इस गाथा में और देशनाओं में तथागत बुद्ध ने बताया है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, यश वैभव मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।